हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? और मैं बहुत अच्छी हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो फिर ये वाला वीडियो बना देते हैं। और बाबू का मैंने फेस भी नहीं दिखाया था, तो उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज इस पर वीडियो ही बना देते हैं। तो ये देखिए, मेरा बाबू जो है सो रहा है, और तो उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बस इसी वजह से जो है मैंने इनकी कोई भी वीडियो नहीं डाली, और जो है ना ही मैंने कोई ब्लॉग बनाया था, इसलिए मेरे सारे ब्लॉग जो है थोड़े से लेट हो गए हैं, क्योंकि बाबू की तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसलिए मैंने ना जो है वीडियो बनाई और ना ही कोई वीडियो अपलोड की। और अब बाबू सही है, हम भी सही हैं, तो हम लोग घर पर आ चुके हैं। तो आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि बेबी का फेस दिखा दीजिए, तो मैंने सोचा चलो फिर आए दिखाई देते हैं। तो ये है मेरा बाबू। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि जो है आपका नॉर्मल डिलीवरी है या ऑपरेशन हुआ है। तो मेरा ऑपरेशन हुआ है, और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मुझे भी ठीक होने में ना थोड़ा सा टाइम लग गया। और फिर बाबू की भी तबीयत ख़राब हो गई, तो उसको भी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगा, और इसलिए जो है ब्लॉग थोड़े से लेट हो गए हैं सारे। और इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी, उसमें मैंने जो है दिखाया था मेरा ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि मैं टहल रही थी सुबह ना, तो आप लोग को मैंने बताया था वीडियो में। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आप लोगों ने पूछा तो मैंने फिर से बता दिया। और ये हॉस्पिटल की ही क्लिप है, तो जो है, और वैसे मेरे पास कोई क्लिप थी नहीं, अभी घर पर मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं है, तो मैंने सोचा चलो ये वीडियो अपलोड कर देते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो जी, जो है बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बेबी स्वस्थ होना चाहिए और अच्छा स्वस्थ हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा बेबी भी जो है उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, और मेरी आवाज़ से तो लग ही रहा होगा, अभी भी मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हुई है। लेकिन आप लोग के लिए मैंने जो है ब्लॉग शूट किया है, तो मैंने सोचा इसको अपलोड भी कर दूँ। और यहाँ पर पतिदेव बाबू को खिला रहे हैं, तो जो है मुझे बेबी बॉय हुआ है, और अब बाबू भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, हम दोनों घर पर आ गए हैं। और जब पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, तब आप लोग को रेगुलर मेरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। और अभी तो फैमिली वाले भी आ गए हैं, तो थोड़ा सा इस समय ना ब्लॉग बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं अभी इतना ज़्यादा कुछ काम वगैरह कर नहीं पाती हूँ। चल तो लेती हूँ, बट काम वगैरह भी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और ये सारे ब्लॉग जो है हॉस्पिटल के ही हैं, अभी मैंने घर पर जो है कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है, तो बस ये हॉस्पिटल का लास्ट ब्लॉग रहेगा, उसके बाद आपको घर का ब्लॉग देखने को मिलेगा। और ये देखिए, यहाँ पर बाबू को लेकर मैं लेटी हुई हूँ, ये भी हॉस्पिटल की ही क्लिप है। तो अभी देखिए बाबू लेटा हुआ है, सो रहा है, और सो भी रहा है, जग भी रहा है। देखिए, लाइट जब पड़ती है ना तो ये आंखें बंद कर लेता है, और जब रोशनी नहीं रहती तो देखता है, क्योंकि अभी जो है ना धूप वगैरह दिखाई जाएगी तो ये बराबर से फिर देखने लगेगा। और ये देखिए, और ये मेरे हाथ पे इतने सारे दाने दिख रहे हैं, और मैंने ब्लॉग में भी बताया था बहुत ज़्यादा खुजली होती थी, तो बिल्कुल भी खुजली नहीं हो रही है, एकदम खुजली बंद हो गई है। जब से बाबू हुआ है तब से खुजली वगैरह सब बंद हो गई है, और नहीं तो मैंने कितनी सारी दवाइयाँ की थी खुजली की।
और यहाँ पर पतिदेव सेल्फी ले रहे थे, क्योंकि दौड़ने में जो है ना, दौड़ने में क्या, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, और इनको बाबू को खिलाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो बस थोड़ा सा टाइम जो है इनको मिला था तो बस वही सेल्फी वगैरह ले रहे थे। और इस समय ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे मैंने बताया है अगले भी ब्लॉग में, इस ब्लॉग में भी, तो पता नहीं क्या क्या मैं बोलती हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता है, तो आप लोग प्लीज़ समझ जाइएगा। और जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो अच्छे से ब्लॉगिंग करूँगी, अभी तब तक के लिए आप यही ब्लॉग देखिए। और ये देखिए यहाँ पर बड़ी वाली दीदी सो रही हैं, बाबू भी सो रहा है, और अभी मॉर्निंग का टाइम है, और ये देखिए बाबू सो रहा है, और मैं अभी टहल कर आई हूँ बाहर से। और ये उस दिन की क्लिप है जिस दिन बाबू हुआ था, ये देखिए मामी लेकर बैठी हुई है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल गए हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।